नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बेहाल अस्पताल। जी हां, कोरोना काल में अस्पतालों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस के इस दौर में अगर अस्पताल ही बेहाल होंगे तो मरीजों का क्या हाल होगा। आज हम प्रदेश के कई अस्पतालों की पड़ताल करेंगे जिसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। इंडिया न्यूज की इस पड़ताल में पता चला है कि आखिर प्रदेश में स्वास्थ्य तो सुविधाएं कितनी व्यापक और दुरुस्त है। इस खास पेशकश में हम चार जिलों के अस्पतालों की पड़ताल करेंगे और पता करेंगे कि इन अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी दुरुस्त हैं, कहां वक्त पर डॉक्टर्स आते हैं, अस्पताल में सफाई व्यवस्था कैसे इंतजाम किए गए, मरीजों की कहां सही इलाज मिल रही है या नहीं। हम आपको ये चार तस्वीरें दिखा रहे हैं कुरुक्षेत्र, केथल, भिवानी और यमुनानगर की, जहां पर कहीं गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है तो कहीं फ्रिज खराब है। हम आपको ये अस्पतालों की चार तस्वीरें दिखा रहे हैं और चार जगह से अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, कुरुक्षेत्र, केथल, भिवानी और यमुनानगर। चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भिवानी जिले की। भिवानी को मिनी क्यूबा और छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में इस जिले में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होनी चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है। जिले के नागरिक चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं लाचार हालत में है। अस्पताल इस वक्त स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। कोविड के दौर में स्वास्थ्य सेवाओं का सही तरीके से संचालन होना बेहद अहम माना जाता है, पर ऐसे में भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में किस तरह की स्थिति है वो चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल, जिसको न केवल प्रदेश देश बल्कि एशिया भर में जिला मुख्यालयों पर स्थित अस्पतालों में अव्वल माना जाता है, उसके हालात हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पर किस तरह के हालात हैं। हालांकि जिस तरह से जो सुविधाएं मिलनी चाहिए कोविड के दौर में, जब सेकेंड वेव का जब असर था तब हमने देखा था यहाँ पर अच्छी खासी कहीं ना कहीं किरकिरी स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों की हुई थी। ना तो लोगों को बेड्स मिल पाए थे, ना ऑक्सीजन की व्यवस्था हो पाई थी। हालांकि प्रशासन के द्वारा, से बात की जाए स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के द्वारा, लगातार दावे जरूर किए गए थे लेकिन दावे हकीकत से कोसों परे देखे गए थे। बहरहाल किस तरह की स्थिति है वो दिखाएंगे आपको, बने रहिए हमारे साथ। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में समस्याओं का अंबार है लेकिन अगर कोई समस्या सबसे बड़ी है तो वो यहाँ डॉक्टर्स और नर्सों की कमी। अगर अस्पताल में डॉक्टर्स और नर्स ही मौजूद नहीं है तो फिर वो कैसा अस्पताल, ये देखिए खास रिपोर्ट। तो भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल का हम जिक्र कर रहे हैं, सूरत हाल यहाँ का दिखा रहे हैं। और इस बीच नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष सुनीता जी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर सुविधाओं के नाम पर अगर इस इतने बड़े अस्पताल की बात करें किस तरह की सुविधा है। मैडम, सबसे पहले आपसे बात करूंगा, अगर स्टाफ नर्सों की बात करें किस तरह से यहाँ पर, अगर पदों की बात करें कितने पद सृजित किए गए हैं और कितने पदों पर स्टाफ नर्सें कार्यरत हैं, किस तरह से काम चलाया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल भिवानी के अंदर स्टाफ नर्स के पद हैं 143 यानी कि 143, जिनमें से 70 स्टाफ नर्सेज ही की ही पोस्ट यहाँ पे भरी हुई है, बाकी 70 की यहाँ पे वेकेंट है। तो काफ़ी मशक्कत होती है काम करने में, और जैसे पिछले दिनों कोविड चला हुआ था, कोविड के अंदर बेड भी एक्स्ट्रा लगा दिए थे, आईसीयू भी एक्स्ट्रा बना दी थी, तो बड़ी मुश्किल से हमने जैसे तैसे करके काम किया। जैसे आईसीयू के अंदर एक बेड पे एक स्टाफ नर्स होती है और जनरल वार्ड के अंदर 6 बेड पे एक स्टाफ नर्स होती है, लेकिन आईसीयू के अंदर हमारे 35 बेड डले हुए थे और सिर्फ 2 स्टाफ नर्स से काम वहाँ पर चला रखा था हमने, तो स्टाफ के नाम पर तो बड़ी मुश्किल से हमें काम करना पड़ता है। और दूसरी अगर सुविधाओं की बात करें, पानी की बात करें या दूसरी व्यवस्थाओं की बात करें वार्ड्स में या इंडोर में आउटडोर में, तो वहाँ किस तरह की फैसिलिटी है पानी को लेकर। फिलहाल जैसे पानी का है, आजकल वार्डों के अंदर पानी नहीं आता, हमारे ऑफिस के अंदर टॉयलेट हैं, कहीं भी पानी नहीं आता, पानी की बड़ी समस्या चली हुई है आजकल। और बाकी जैसे डॉक्टर्स की भी काफ़ी शॉर्टेज है, दूसरे स्टाफ की भी काफ़ी शॉर्टेज है, बड़ी मुश्किल से काम चलाना पड़ रहा है। तो मेरा यही मानना है कि सरकार से यही कहना चाहूँगी कि जो भी वेकेंट सीट जो भी हैं तुरंत प्रभाव से इनको भरा जाए,
पिछले दिनों बच्चों के एडमिट कार्ड भी आगे थे नर्सिस के, एलटी के, फार्मासिस्ट के, सब के, लेकिन उनको कोविड के चलते हुए रद्द कर दिया गया था। तो मेरा यही कहना है कि जल्दी से उन पदों को भरा जाए ताकि हॉस्पिटल का काम सुचारू रूप से चल सके। इसके अलावा अगर व्यवस्थाओं की बात करें, वार्ड्स में क्या सुविधाएं, दूसरी सुविधाएं क्या पर्याप्त हैं, डॉक्टरों की बात करें, क्या डॉक्टरों के पद पूरी तरह से यहाँ पर भरे हुए हैं, और अगर भरे हुए नहीं है तो कितनी दिक्कत आती है? डॉक्टरों के पद जैसे प्रॉपर नहीं भरे हुए हैं हमारे पास। अब तीसरी लहर की बात चली हुई है तो देखा जाए तो पीडियाट्रिशियन एक ही है और काफ़ी अब ट्रेनिंग वगैरह चली हुई है, लेकिन वो मैडम भी प्रेग्नेंट हैं, अब छुट्टी चली जाएंगी तो पीडियाट्रिशियन हमारे पास नहीं है। और दूसरे डॉक्टर भी देखा जाए तो जैसे ऑर्थो सर्जन है हमारे पास, एक ही ऑर्थो सर्जन है, और दूसरे डॉक्टर जैसे सर्जन है, सर्जन भी कम है देखा जाए तो, हॉस्पिटल को देखते हुए दो ही सर्जन है हमारे पास। हाँ, फिजिशियन प्रॉपर मात्रा में हमारे पास है। तो क्या माना जाए, थर्ड वेव की अगर बात करते हैं या फिर सुविधाओं की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पर सुविधाएं सारी दिखती हैं आपको? सुविधाएं मुझे प्रॉपर नहीं दिखती, क्योंकि देखो वैसे तो आजकल जैसे ऑक्सीजन का है, पिछले दिनों बड़ी किल्लत थी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बना दिया गया है और सेंटर सप्लाई के लिए सब चल रही है। लगा कर नहीं आते, आप कितने खतरे में? काफ़ी खतरे में है, यहाँ का हॉस्पिटल का स्टाफ है बहुत खतरे में है। अभी भी लोग प्रॉपर मास्क नहीं लगाते, प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखते, और जैसे ही मतलब इसको लॉकडाउन को थोड़ा सा ढील दी है तो उसमें काफ़ी भीड़ भड़ाका होता है, तो बहुत खतरे में है हम। जाहिर तौर पर समस्याओं की हम बात कर रहे हैं भिवानी के चौधरी बंसीलाल नागरी अस्पताल की, और अस्पताल में समस्याओं का अंबार भी है। बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं और कुछ इस तरह की और जो दिक्कतें हैं यहाँ पर, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे। चौधरी बंसीलाल अस्पताल में स्टाफ की कमी को लेकर अस्पताल के डॉक्टर से बात की तो पता चला कि नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स की स्वीकृत पद 66 है, लेकिन 29 पदों पर डॉक्टर्स की तैनाती है। ऐसे में अस्पताल में तैनात डॉक्टर्स को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसको लेकर संवाददाता रवि जांगड़ा ने खास बातचीत की। चलिए, अस्पताल में व्यवस्थाओं और अव्यवस्थाओं का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। भिवानी का चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल जो कि एशिया भर में, न केवल हरियाणा बल्कि एशिया भर में जिला मुख्यालयों की श्रेणी में जिसको अव्वल माना जाता है, वहाँ पर स्टाफ की कहीं की दिक्कत मानी जा रही है, डॉक्टर्स की दिक्कत है। और इसके अलावा दूसरी मूलभूत सुविधाओं की बात करें, पानी की बात करें, पानी की भी बेहद किल्लत है, लोगों को पानी यहाँ पर मैसर नहीं हो रहा है। तो सब दिक्कतों की बात करेंगे, उससे पहले स्टाफ की बात करेंगे, डॉक्टर्स की कितनी पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत की गई है और कितनी पोस्ट पर डॉक्टर्स यहाँ पर कार्यरत हैं? हमारे पास 66 पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर्स की, जिसमें से सिर्फ 29 डॉक्टर्स हैं हमारे पास, बाकी सारी पोस्ट खाली पड़ी है, और उसके लिए बार बार हमने महानिदेशक को भी पत्र लिखे हुए हैं। तो कैसे काम चलाते हैं डॉक्टर साहब? कोविड का सेकंड फेज भी हमने देखा था, थर्ड वेव की जो है बात कह रहे हैं कि थर्ड वेव भी आ सकता है, ऐसे में कितनी तैयारी, कितना तैयार है विभाग? हाँ, कोविड में जैसे सेकंड दूसरी लहर जब आई थी तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट एडमिट थे, और उस समय फील्ड से भी डॉक्टर्स की ड्यूटी यहाँ लगाई गई थी और डेंटल सर्जन ने भी ड्यूटी की थी यहाँ। तो अभी अगर बात करें एक, क्योंकि अगर बाल रोग विशेषज्ञ की बात करें, महज एक डॉक्टर है और वो भी कहीं की छुट्टी पर जा सकते हैं? हमारे पास एक ही पीडियाट्रिशियन है, बाल रोग विशेषज्ञ एक ही है, और वो भी अभी निकट भविष्य में मैटर्निटी लीव पर जाने वाली है। इसके लिए हमने महानिदेशक को भी पत्र लिखे और सिविल सर्जन से भी अनुरोध किया है कि कोई और डॉक्टर, जिस एक दो डॉक्टर उनके साथ अटैच किए हैं, ताकि जब तक वो छुट्टी पर नहीं जाती थोड़ी बहुत ट्रेनिंग उनको मिल जाए। अच्छा, कैजुअलिटी में डॉक्टर्स जो है स्पेशलिस्ट को लगाए हैं, जबकि अमूमन देखा जाता है कि फिर से डॉक्टर लगा देते हैं, क्या ऐसे आपको लगता है कि इंदौर का काम साथ ही साथ ओपीडी का काम भी प्रभावित हुआ? हाँ, हमारे यहाँ सारे स्पेशलिस्ट थोड़ा सा ओवरबर्डन है कैजुअलिटी की वजह से, 24/7 कैजुअलिटी चलती है, तो स्पेशलिस्ट की ड्यूटी लगाई गई है। पहले फील्ड से लगाए गए थे, उनको क्यों भेजा गया? वो सिविल सर्जन महोदय के आदेश पे भेजा गया है। उनके आंकड़े तो ये बताते हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ पर जो एमएससी कटती है लगातार फील्ड से कटते हैं, मोर देन 65%, और फील्ड में इसका मतलब तो ये कि डॉक्टर जो है वहाँ फील्ड में भी नहीं है, तो यहाँ जो कट हो गई। देखो, मैं अपने हॉस्पिटल का बता सकती हूँ, यहाँ सारे स्पेशलिस्ट अपना कैजुअलिटी ड्यूटी भी कर रहे हैं और अपनी स्पेशलिटी का काम भी कर रहे हैं, और पूरे जिले से मेडिको लीगल वर्क हमारे हॉस्पिटल में आता है रात को भी और दिन में। पानी की दिक्कत है, सब पीने के लिए पानी यहाँ पर लोगों को नहीं मिलता, जो मरीज आते हैं, पानी की दिक्कत से कैसे निपटा जाए? ना, हमारे यहाँ जगह जगह पर आरओ लगे हुए हैं, वार्ड में भी, मैटर्निटी में भी, और कैजुअलिटी में, और पेशेंट्स के लिए भी वेटिंग एरिया में। थर्ड वेव के लिए कितने तैयार हैं अस्पताल की अगर बात? थर्ड वेव जैसे कि आशंका जताई जा रही है, इस बार बच्चों में थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, तो हमने पीडियाट्रिशियन की ट्रेनिंग के लिए भी अरेंज किया है, महानिदेशक से
ट्रेनिंग पीजीआई में उनके लिए ट्रेनिंग का शेड्यूल आ भी गया है। एक एनेस्थीजिया के डॉक्टर और एक पीडियाट्रिशियन, और अब प्लानिंग ये है कि जब वो ट्रेनिंग लेकर आएंगे तो वो बाकी एमओज को भी ट्रेनिंग देंगे और बाकी स्टाफ नर्सेज को भी ट्रेनिंग करवाई गई। स्टाफ नर्सेज की बेहद किल्लत है, 143 पदों के 70 के करीब जो है, यानी आधे से भी कम स्टाफ नर्सें कार्यरत है। उसके लिए दूरी माना जाता है स्वास्थ्य सेवाओं की, कैसे काम चलाया जाता है? बस उनको भी जब ज़्यादा किल्लत होती है तो उनका भी थोड़ा सा बर्डन बढ़ जाता है जब पेशेंट ज़्यादा होते हैं, और अब उन्हीं को हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं ताकि बच्चों को भी वो हैंडल करने में थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, उसी बात करने के लिए। डॉक्टर मंजू काजान, जिनका साफ तौर पर कहना है कि स्टाफ की कमी है, स्टाफ की कमी मानती हैं, लगातार महानिदेशक को भी लिखा गया है, लेकिन इस बाबत और ये जिस तरह की दिक्कत है वो 1, 2, 4, 5 साल से नहीं है बल्कि लगातार पिछले 15 सालों से इसी तरह की दिक्कत इस अस्पताल में चल रही है। हालांकि अगर पीडियाट्रिशियन की बात करें, बाल रोग विशेषज्ञ की बात करें, एक ही बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ पर कार्यरत है जो कि कुछ दिनों के बाद प्रसूति अवकाश पर भी जाने वाली हैं, लेकिन इस बीच विभाग की तैयारियां कितनी मुकम्मल है उनका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डॉक्टरों का यहाँ पर टोटा है। इसके अलावा स्टाफ नर्सों की बात करें, उनकी भी बेहद किल्लत है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जो है वो कहीं ना कहीं कैजुअल्टी में लगा दिया गया है, जबकि जो फील्ड के डॉक्टर पहले लगाए जाते थे उनको फील्ड में भेज दिया गया है। अस्पताल के सीएमओ सपना गहलावत ने बताया कि स्टाफ की कमी से उन्हें भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में पहले से ही डॉक्टर्स की कमी है, इसके बावजूद कुछ डॉक्टर्स को आपदा रोग विभाग में भी लगा दिया गया है, जिससे लगातार डॉक्टर्स पर काम का बोझ बढ़ रहा है। आप बच सकते हैं, थर्ड वेव को आने से रोक सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो पब्लिक का ही रहेगा। अगर हम मास्क पहन के रखेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन जहाँ तक हो सकती है कर पाएंगे तो हम चेन को काफ़ी हद तक ट्रांसमिट होने से बचा पाएंगे। वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, तक 2,75,000 लोग, 32% ही तीसरे हिस्से के लोग ही वैक्सीनेट हो पाए थे। स्वास्थ्य विभाग की कमी थी या ऊपर से वैक्सीन नहीं मिली थी, क्योंकि स्लॉट जो है वो धीरे धीरे खोले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको कमी कहाँ रही, चूक कहाँ रही? गुरुग्राम जैसे शहर जहाँ पर प्रतिदिन लाखों की तादाद में लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, भिवानी हालांकि छोटा जिला है। क्या आप 8 लाख का टारगेट भिवानी का बता रहे हैं? जी ऐसा नहीं है, 8 लाख का टारगेट भिवानी का नहीं था। हमें जो मेगा कैंप का टारगेट दिया गया था वो 20,000 का था, और हम लोगों ने 24,162 डोजेस लगाई थी मेगा कैंप के दिन। ये मुहिम सिर्फ मेगा वैक्सीनेशन कैंप में बंद नहीं हुई है, इसको हर हफ्ते एक मेगा वैक्सीनेशन डे मनाया जाएगा ये, और निरंतर जो है वो वैक्सीनेशन कैंप्स हम लगाते जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज को वैक्सीनेट करने का ही हमारा लक्ष्य है। की डॉक्टर बात की है कि 8 लाख से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट किए जाने थे टोटल ओवरऑल 20 जून तक, लेकिन 32% लोग ही अभी तक वैक्सीनेट हो पाए, तो उसके पीछे क्या मानते हैं आप? कभी क्या वैक्सीन पूरी नहीं मिली थी या कोई और दिक्कत पेश आई? क्योंकि सबसे पहले हमने शुरू किया था 16 फरवरी से। वैक्सीनेशन जो है सप्लाई का थोड़ा सा इशू था, स्टॉक पूरा नहीं था जो हमें सप्लाई हो रहा था डिमांड के हिसाब से, पर अब उसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। अब वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन्स जो है वो पूरी मात्रा में हम जितनी चाहें उतनी अवेलेबल करा सकते हैं, और इसी को ही लेके हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर हफ्ते एक मेगा वैक्सीनेशन कैंप लगेगा। हम सबसे अप्रोच भी कर रहे हैं जो कैंप्स लगवाना चाह रहे हैं, जो अपने बेनिफिशरीज जहाँ जिस एरिया में ज़्यादा बेनिफिशरीज हैं हम वहाँ जाकर भी कैंप लगा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इस वैक्सीनेट अपने आप को करवा सकें। वही अस्पताल के आरएमओ ने डॉक्टर को आपदा विभाग में भेजने पर आपत्ति भी जताई है। कितने स्पेशलिस्ट है जिनको कैजुअलिटी में जुटाया गया है, वजह क्या है डॉक्टर्स की, क्योंकि पहले पदों पर? हमारे पास आपातकालीन विभाग में जो है नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिर्फ एक या दो ही है, वो जो लगा रखे हैं एक दो हमने मैटरनिटी में लगा रखे हैं, इसलिए सारे स्पेशलिस्ट की ड्यूटी रोस्टर वाइज एमरजेंसी में लगानी पड़ती है। इससे पहले जो है कोविड में फील्ड से डेप्यूट करके यहाँ डॉक्टर लगा रखे थे, वो सारे के सारे जो डॉक्टर हैं फील्ड में वापस भेज दिए, इसलिए इमरजेंसी में कोई डॉक्टर नहीं है, सिर्फ स्पेशलिस्ट लगाने पड़ते हैं। सर आंकड़े बताते हैं फील्ड की जो एमएलसी वो भी यहाँ कटती है? हाँ बिल्कुल, पिछले महीने का जो है हमने जून का निकलवाया तो लगभग जो है 100 में से 190 में से 100 के आसपास जो एमएलआर हैं वो फील्ड की कटी हुई। तो क्या माना जाए फील्ड में इसका अंदर डॉक्टर जो है काम नहीं कर रहे हैं? फील्ड के एमएलआर मोस्टली यहाँ कट रही है, और इस बारे में जो है हमने जो है हमारे चीफ को जो है चिट्ठी भी लिख रखी है।
तो अभी क्या लगता है कितना काम प्रभावित होता है, क्योंकि आप लोग यहाँ सर्जन भी एक है, इसके अलावा अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन की बात करें वो भी है। अगर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर इमरजेंसी में लगाते हैं तो उसका नुकसान ये रहता है कि जिस स्पेशलिस्ट की ड्यूटी हमने नाइट में लगा रखी है, अगले दिन जो है उसको ऑफ चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो पेशेंट जो दूर से आएंगे ओपीडी नहीं हो पाएगी, तो सर्जन होगा तो सर्जरी भी इफेक्ट होगी। तो अभी कितना कामकाज प्रभावित हो रहा है? नहीं, अब काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं इसी वजह से कि जो हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो इमरजेंसी करनी पड़ रही है, जिससे ओपीडी और सर्जरी का काम है वो सफर हो रहा है।